उसकी वजह से वेट लॉस में बहुत हेल्प होती है। वो चीज़ हाई इन प्रोटीन है, वो हाई इन फैट भी है। और आफ्टर प्रेगनेंसी जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है ना, उनमें वेट लॉस जो है ना वो देखा गया है। फैटी लिवर भी हो सकता है, फैटी लिवर के चांसेस हो सकते हैं, किडनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो तो। क्या खाना सिर्फ 3 वक्त का लोग खाना खाते हैं, खाना 6 वक्त का होना चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन और सामईन, आज का हमारा जो एपिसोड है वो बहुत ही अहम है इस लिहाज से कि कैसे आज की दुनिया के अंदर हम कैसे फिट रह सकते हैं। और ये एक बड़ा एक इंटरनेशनल इशू है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी खास मुल्क का या किसी कौम का या किसी एक जगह का इशू है। इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल इशू इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कैसे हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है, कैसे अपने आप को फिट रखना है, क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए। इसके बारे में मैं तबसला नहीं करूंगा क्योंकि मेरी राय एक लेमैन की तरह होगी। आज हमारे स्टूडियो में एक हमने एक्सपर्ट को बुलाया है, एक डाइटिशियन को बुलाया है जो क्वालिफाइड डाइटिशियन है, तो जाहिर सी बात है उनकी हर एडवाइस हमारे लिए मशाले रहा होगी। हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखती है सैयदा वजिया जैदी साहब। सबसे पहले तो बहुत आपको खुशामदीद मेरे इस प्रोग्राम में कि आप अपने से मसरूफ वक्त में से वक्त निकाल के तशरीफ लाए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझ जैसे बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा इस इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो वजिया ये बताएं कि आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन, हम इसके लिए एक और इस्तेलाह सुनते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। तो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं खुद ये जानना चाहता हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ही जानना चाहेंगे कि व्हेन वी से न्यूट्रिशनिस्ट एंड व्हेन वी से डाइटिशियन, व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। ओके, क्लिनिकल डाइटिशियन जो होती हैं वो जो है क्वालिफाइड डाइटिशियन होती हैं दैट वर्क्स इन अ क्लिनिकल सेटअप। ठीक है, वो किसी भी डिजीज पेशेंट को जो है वो ट्रीट करती हैं, उनकी डाइट सेट करती हैं। जो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं वो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं एंड देयर मेन फोकस इज ऑन वेट लॉस। ठीक है, तो जो क्लिनिकल डाइटिशियन होती हैं वो पेशेंट्स देखती हैं विद द डिजीज, और जो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं उनका मेन डोमेन वेट लॉस होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन। यानी आपका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान पेशेंट ना भी हो तब भी ही कैन गो और शी कैन गो एंड कंसल्ट एनी न्यूट्रिशनिस्ट? या यस, दे कैन फॉर द वेट लॉस, बट इफ दे हैव कोमॉर्बिड्स देन दे शुड कम टू क्लिनिकल डाइटिशियन। डाइटिशियन, या राइट, ठीक है। तो अब तो ये तो हो गया डिफरेंस जनाब, मेरे ख्याल में कुछ उस तरह का डिफरेंस है जैसे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। बिल्कुल, दे काउंसिल देख सकते हैं, आपको काउंसिल कर सकते हैं, आपको यू नो बहुत सारी इस तरह की साइकोथेरेपी कर सकते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड एंड एंटाइटल्ड टू प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन रिलेटेड टू साइकियाट्री। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, अब हमें बताएं कि यहाँ पे एक हमारा एक आम आदमी को उसकी बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए। मतलब आम से जब मैं ये कहता हूँ कि उसकी जिंदगी में अगर एक्सरसाइज नहीं है, कोई और उसका कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो स्पोर्ट्समैन नहीं है, वो वेट ट्रेनर नहीं है, उस पर भी हम आएंगे बाद में। एक आम आदमी है, वो जाता है सुबह ऑफिस, वहीं पे काम करता है, आ जाता है और जो डेली वॉक जो एक रूटीन में होती है वो ही करता है। ठीक है, तो आप क्या उसके ब्रेकफास्ट को क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या नाश्ता होना चाहिए सबसे पहले उसका? अच्छा, खाना क्या होना चाहिए दोपहर का और रात का खाना क्या होना चाहिए? और दूसरी अहम बात ये कि क्या ये 3 खाने जरूरी है? बिल्कुल, मैं इस चीज को भी बताती हूँ। देखिये, हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, फूड ग्रुप्स हमारे डिवाइडेड होते हैं कार्ब्स में, प्रोटीन्स में एंड फैट्स में। ठीक है, तो अगर आप जो है कार्ब्स ले रहे हैं, आपको कार्ब्स कहाँ से मिलेंगे? होल ग्रेन से मिलेंगे, आपको फ्रूट से मिलेंगे, आपको वेजिटेबल्स से मिलेंगे। अगर आपको प्रोटीन लेना है तो वो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलेगा या मीट वगैरह से मिलेगा। देन फैट्स पे आ जाता है, फैट्स में भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो होता है उसके अंदर यू कैन हैव बॉइल्ड एग्स और यू कैन हैव ऑमलेट, बट अगर आप उसी को फ्राइड कर देंगे तो वो अनहेल्दी होगा। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा यू कैन हैव सीरियल्स इन योर ब्रेकफास्ट। सीरियल्स में आप नट्स ऐड कर सकते हैं, आप ड्राई बेरीज ऐड कर सकते हैं, आप कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, दैट वुड बी अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। अलॉन्ग विद दैट यू कैन हैव, इवन मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप चपाती भी ले सकते हैं एक नाश्ते में, वो भी हेल्दी है, बट अगर वो जो है होल ग्रेन चपाती है तो ठीक है। होल ग्रेन को थोड़ा सा आप वाज़े कर दें। होल ग्रेन जैसा हमारे अगर मैं एक नॉर्मल टर्म है, चक्की के आटे की जो रोटी होती है,
ठीक है, लाल आटे की जो रोटी होती है वो जो है उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, सो दैट इज हेल्दी फॉर यू, आप वो ले सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, वैसे आमतौर पर लोग कहते हैं समझते हैं कि चक्की का आटा वैसे रोटी बनाना थोड़ा सा वो जो है ना हाँ, वो मुश्किल होता है, तो उसमें थोड़ा सा वो मिक्सअप करते हैं व्हाइट। बहुत अच्छी बात है अगर आप जो है होल ग्रेन ही लें, बट अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो आई वुड से कि आप फिर उसको रेगुलर अपने मतलब उसका अपने लाइफ का हिस्सा ना बना लें। कभी आसानी के लिए अगर बहुत वो है तो आप कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट इट। तो आपने कहा ब्रेकफास्ट होना चाहिए कि ऑमलेट भले से हो, बिल्कुल ये नहीं बताया कितनी योक्स होनी चाहिए। 1 whole egg और 2 egg whites। अच्छा ठीक है, इन दोनों की यानी 3 अंडे हो जिनमें से एक योक हो सिर्फ, जरूरी 1 whole egg उनके लिए यू कैन हैव 3 eggs। लेकिन आपने कहा कि उसमें ऑयल में ना बने, ऑमलेट के अंदर ऑयल कंपैरेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू फ्राइड एग, तो यू कैन हैव ऑमलेट 1 to 2 teaspoon ऑयल में अगर आप बना रहे हैं तो दैट इज ओके। ओके, और कौन सा ऑयल आप कैनोला ऑयल हो तो वो जो है, व्हाट अबाउट ऑलिव ऑयल, दैट इज गुड एज वेल, बट उसको आप बहुत हाई फ्लेम पे बना नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर बर्निंग के चांसेस होते हैं, तो वो बहुत हाई फ्लेम पे बर्न भी हो जाता है, तो अगर आपको लो फ्लेम पे अगर आप बना रहे हैं तो दैट इज ओके। ओके ठीक है, सही। और लंच में क्या होना चाहिए? अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना सिर्फ 3 वक्त का लोग खाना खाते हैं, खाना 6 वक्त का होना चाहिए। यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 6 meals, इसको कहते हैं पोर्शन कंट्रोल, इफ यू हैव हर्ड। मैं तो ये कह रहा था कि ये 3 वक्त का भी हम लोग एक खाए चले जा रहे हैं कंसिस्टेंट। जब 2 meals के बीच में एक वास्ट डिफरेंस आ जाता है ना टाइम का, तो फिर आप सेकेंड मील अपना बहुत ज्यादा लेंगे। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप नाश्ते और दोपहर के खाने में आप जो है कोई फ्रूट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 बजे नाश्ता किया, आपने 12 बजे एक फ्रूट ले लिया, इट कुड बी एप्पल और बनाना और ग्रेप्स और व्हाटएवर यू हैव, ठीक है। उसके फिर 2 घंटे बाद आप जब दोपहर का खाना खाएंगे तो कंपैरेटिवली आपको कम भूख लगेगी। उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1.5 रोटी की भूख है तो आप उसको 1 रोटी की कर दें, साथ में यू कैन ऐड योगर्ट और सैलेड, तो उससे जाहिर है फिर आपकी वो भूख उससे पूरी हो जाएगी। एंड देन आप स्नैक टाइम में भी कुछ ना कुछ लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 बिस्किट ही खा रहे हैं शुगर फ्री या विदाउट क्रीम, या आप पॉपकॉर्न्स ले रहे हैं या आप मकई खा रहे हैं, दैट इज ओके, आप ले सकते हैं। फिर आप रात का खाना खाएंगे वो भी आप इसी तरह पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि 6 वक्त का हमें लेना चाहिए डाइट, लेकिन 6 वक्त क्वांटिटी बता दें, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? क्वांटिटी जो है ना आपकी वो कंट्रोल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप नाश्ते में एक एग फुल होल एग ले रहे हैं, ठीक है, साथ में आपने 1 कप सीरियल ले लिया, और आप चाहे तो ब्लैक कॉफी या चाय ले सकते हैं। फिर उसके आप 2 से 3 घंटे बाद कोई ना कोई फ्रूट लें, ठीक है, वहां से आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपके मिल जाएंगे। एंड देन आप लंच टाइम में अगर आप चपाती खा रहे हैं तो आप 1 चपाती ले सकते हैं, साथ में फैट फ्री योगर्ट या लो फैट योगर्ट ले सकते हैं अगर आपको अपनी जो है ना एक हेल्दी डाइट की तरफ जाना है। और आप सैलेड ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, अगर आप सब्जी ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, तो वो भी आप 1/2 कप तक ले सकते हैं, ठीक है। फिर शाम के टाइम पे आप चाय के साथ या अपने कहवे के साथ या कॉफी के साथ अगर आप कोई बिस्किट लेना चाह रहे हैं तो आप 2 ले सकते हैं, 2 बिस्किट 1 चपाती के बराबर होते हैं, तो वो आपको 2 बिस्किट 1 चपाती के बराबर होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं, आप मकई ले सकते हैं, कुछ भी आपके पास जो अवेलेबिलिटी है हल्के खाने में, लाइक आप प्रॉपर मील नहीं ले रहे हैं, ठीक है, स्नैक्स ले रहे हैं आप ये। फिर रात के खाने में आई वुड सजेस्ट कि आपको कभी भी चावल खाने हैं तो आप दिन के टाइम पे खाएं 3 मरतबा, ठीक है। और आप रात में अगर चावल खा रहे हैं तो आप 12 से 15 चम्मच चावल के खा सकते हैं, बट वो बॉइल्ड हो। और राइस में भी लोग कहते हैं ब्राउन राइस है वो ज्यादा, ब्राउन राइस भी ले सकते हैं, बट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस चीज का कंजप्शन है नहीं। अगर आप ब्राउन राइस ले रहे हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आप वाइट राइस भी ले रहे हैं तो आप 1/2 कप बॉइल्ड राइस ले सकते हैं, एंड अगेन अलॉन्ग विद योगर्ट और विद सैलेड। एंड देन बेड टाइम पे भी हम जो है ना, हमारा तो खैर खाना ही रात का बहुत लेट होता है, बट अगर आप एक प्रॉपर टाइम पे खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 8-8:30 बजे खाना खा रहे हैं, तो फिर बेड टाइम पे भी यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एज वेल। तो ये हमारा 6 टाइम का जो है वो खाना हो गया। 6 वक्त का खाना ज़रूरी नहीं कि आप 6 टाइम प्रॉपर रोटी या चावल खाएं। हाँ सही बात है। तो अच्छा, इन दिनों कीटो डाइट का बहुत ट्रेंड है जी, और बहुत ही लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो पहले ही बताएं कि कीटो डाइट जो है जिसके अंदर
आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट इज कीटो डाइट? आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग समझते होंगे कि कीटो के अंदर आप 70% ऑफ योर डाइट जो होना चाहिए वो होना चाहिए फैट. 90% पर जहाँ तक कीटो की बात होती है, कीटो के अंदर आप जस्ट 20-25 या मैक्स 30 ग्राम तक आप कार्ब्स ले रहे होते हैं एंड रिमेनिंग आप फैट्स एंड प्रोटीन्स ले रहे होते हैं. होता ये है कि हमारे जो मेन फ्यूल है फॉर द बॉडी, जो कि हमारी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज दैट कम्स फ्रॉम कार्ब्स. ठीक है, कार्ब्स ही हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, देन ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू एनर्जी. और कौन कौन सी चीजें बता दें, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कार्ब्स, यानी कौन सी गिजा ऐसी होती है जो कार्बोहाइड्रेट बनाती है? Okay. रोटी भी बनाती है, रोटी, चावल और जो है फल हो गए, सब्जियां हो गई, इवन दूध में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सब चीजों में होते हैं. सिवाय फैट्स के, हर चीज में जो है ना, लाइक प्योर फैट जो होते हैं उसके अलावा हर चीज में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. मीट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते. तो यानी रोटी, चावल और कुछ सब्जियां, यानी वो जो जो जेरे जमीन सब्जियां उगती है, तमाम सब्जियां, तमाम फल सिवाय कीटो के अंदर वो वेजिटेबल रिकमेंडेड होती है जो जेरे जमीन गालिबन उगती है, वो नहीं होती. जैसे आलू होता है ना, आलू के अंदर स्टार्च होता है. स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ फॉर्म, इसलिए कीटो के अंदर मना किया है ना उसको. जी, तो स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सो वो भी जो है ना, वो वेट भी बहुत गेन करवाता है हमारे. तो बहुत क्योंकि यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन, अ लॉट ऑफ फैट्स दैट लाइक बर्डनाइज योर किडनीज. Too much fat, too much protein is not liver? Good for liver and for kidneys. Kidneys fatty liver भी हो सकता है, fatty liver के chances हो सकते हैं. Kidneys के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है अगर protein बहुत ज़्यादा हो तो. तभी protein जो है ना, बहुत एक आपको अपने weight के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, इसी वजह से recommended भी है. कि तो keto जो है, जाहिर keto के side effects ये आते हैं कि आप एक depressive phase में चले जाते हैं, nausea भी हो सकता है क्योंकि आपकी body उस चीज़ की used to नहीं है. आप अचानक किसी भी चीज़ को अबैंडन कर देंगे तो वो आपके ऊपर साइड इफेक्ट्स आएंगे उसके. ठीक है, और प्लस इसका जो एक मेन जो एक साइड इफेक्ट्स है ना, वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा. तो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा और आप कीटो छोड़ देंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म तो स्लो ही है ना, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आप फिर आप वेट गेन करना शुरू करेंगे. तो कीटो छोड़ने के बाद अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, इतना आपने लूज नहीं किया जितना आपने गेन कर लिया, so that is the reason कि आपका metabolism slow हो चुका है. counterproductive हो जाएगा क्योंकि वो अपना हर body का एक defense mechanism है ना. तो अगर आप starving phase में हैं तो वो अपने आप को defend so करेगा. आमतौर पे वैसे keto के बारे में ये बहुत अहम सवाल है और बहुत एक अहम issue है कि असल हमारे brain का जो आप कह रही हैं, जो brain का जो fluid है वो है carbs यानी glucose. और जब आप कीटो के अंदर बिल्कुल अपने कार्बोहाइड्रेट्स 5% या 10% पे ले आएंगे, जो कि 20-30 ग्राम मेरे ख्याल में बनता होगा पर डे, तो कितना कार्ब लेना चाहिए? कम से कम 150-200 ग्राम तो लेना चाहिए इन अ डे. तो फिर आपके ब्रेन को, लेकिन आमतौर पे कीटो की जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाती है तो कहा जाता है कि एक्चुअली आप अगर कार्ब से फ्यूल नहीं जा रहा है या एनर्जी नहीं जा रही, तो आपके जो डिपॉजिटेड फैट्स हैं, उसको वो जब कीटोन्स जो सीक्रेट होते हैं आपके लिवर से, वो ब्रेक डाउन करते हैं और वो उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में. तो आपके पास एनर्जी तो जा रही है ब्रेन में. तो वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं. आपके ब्रेन ने ही ऑर्डर दिया है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना चाहिए. आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो ऑफ कोर्स फिर आपके जो है बाद में उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं. बट कीटो डाइट जो है ना, वो एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए बहुत रिकमेंडेड है.
हाँ ये मैंने कहीं सुना था वाकई, अच्छा हुआ आपकी तरफ से और कंफर्मेशन हो गई कि एपिलेप्टिक यानी जो मिर्गी वगैरह फिट्स वगैरह पड़ते हैं सीजर्स जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे जब मैंने जो है पीडियाट्रिक वार्ड में मैं काम करती थी, जो बच्चा आते थे हमारे पास, बच्चों के अंदर एपिलेप्सी का बहुत ही रुझान था, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते जिनको एपिलेप्सी होती थी, तो फिर हम उनको तब कीटो डाइट रिकमेंड करते थे, बट वो भी कुछ टाइम के लिए रिकमेंड करते थे, बट अगर अडल्ट है तो वो फिर उसको लॉन्गर टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा वैसे क्या वजह है कि ये जो एपिलेप्टिक के जो पेशेंट्स होते हैं चाहे वो बच्चे हों तो उनको कीटोजेनिक डाइट जो है वो उनके ब्रेन को रेस्ट देने के लिए, ब्रेन को रेस्ट देने के लिए जो है ना, क्योंकि मैं वही तो बता रही हूँ मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपकी ब्रेन के लिए मतलब इट वर्क्स लाइक अ फ्यूल फॉर योर ब्रेन, तो आपको अपने ब्रेन को इतना फ्यूल नहीं देना, इस वजह से जो है ना आप कीटो पे ज्यादा फोकस करें। और ये भी बताएं कि वो जो एटकिन डाइट है इसको हाई प्रोटीन डाइट भी कहते हैं, गलबनी डॉक्टर एटकिन के नाम से ही मंसूब है ये डाइट। तो एक तो फर्क क्या है दोनों में, कीटोजेनिक डाइट में और एटकिन डाइट में फर्क क्या है? कीटो में जो है आप बिल्कुल ही लो कार्ब डाइट होती है, ठीक है, जबकि एटकिन में जो है ना आप ग्रेजुअली कार्ब का इंटेक बढ़ा देते हैं, बट कीटो में आप ग्रेजुअली नहीं बढ़ाते, आप इसकी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं होती। अच्छा। तो एटकिन में आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं कार्ब, जबकि आप कीटो में जो है ना वो लो ही रखते हैं। So to start with, क्या proportion होता है fat का, protein का और carbs का Atkins diet? Atkins diet में भी इतना ही है, जो आप start लेंगे ना keto का, Atkins में भी आप वही start लेंगे। लेकिन fat तो 70% नहीं होता है उसमें keto? Atkins और keto है एक ही चीज almost, सही है almost, उनका जो बस एक key difference है ना वो यही है कि आप Atkins में gradually carbs को बढ़ाएंगे और फिर आप keto में carbs को नहीं बढ़ाएंगे, आप उतना ही लेते हैं। अच्छा। 10%। अच्छा हमने ये सुना है कि एटकिन के अंदर जो डिफरेंस है कीटो का, तो जितनी अमाउंट में आप फैट लेते हैं एक्चुअली किसमें कीटो में, उस अमाउंट की आपको प्रोटीन लेनी है एटकिन डाइट में, यानी 70% प्रोटीन, 20% फैट एंड अगेन 10% कार्ब, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का तो वही है प्रोपोर्शन, लेकिन वहां पे कीटो के अंदर 70% फैट था, ये 75% फैट, यहाँ 75% प्रोटीन है, बट ये है कि आपने दोनों में कार्ब को लो रखा है, बस कीटो में आप कार्ब बढ़ा नहीं रहे, आपने कार्ब इनका वही रखा है और फिर उसके अंदर आप एटकिंस में आप ग्रेजुअली अच्छा तो खवातीन में आम तौर पे जब वो उनकी डाइट के बारे में बताएं, खास तौर पे व्हेन दे बिकम प्रेग्नेंट, तो उस वक्त उनकी डाइट वेरी करती है यकीनन, और वो कितना उनकी डाइट में उनके पास ये मार्जिन है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और आफ्टर प्रेगनेंसी यानी आफ्टर द बर्थ उनको दोबारा, आमतौर पर हमने देखा है कि बहुत सारी खवातीन वो उस वेट पे वापस नहीं जा पाती, तो उसकी क्या वजूहत है, पहले क्या डाइट लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? उनको एक हेल्दी डाइट ही होनी चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मीट इनटेक उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा जो है गुड सोर्सेज ऑफ आयरन उनकी डाइट में लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेगनेंट होती हैं उनके अंदर जो एक तो कैल्शियम और एक आयरन इनकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि आप जो है ड्राई फ्रूट, जिस हमारे यहाँ जो है ना बहुत एक कॉन्सेप्ट है कि इफ यू आर प्रेग्नेंट तो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं ले सकते हैं, वो गर्म होता है, हमारी इन सब चीज़ों को बहुत देखा जाता है, तो ऐसा नहीं होता, आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, इवन आप खजूर भी दिन में एक से दो ले सकते हैं, तो गुड सोर्स ऑफ मीट, गुड सोर्स ऑफ डेयरी और गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये होनी चाहिए उनकी डाइट, और जो है इफ दे आर ओबीस एंड दे आर प्रेग्नेंट तो फिर उनको थोड़ा सा जो है ना अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप फिजिकली एक्टिव रहें, अपने वेट को भी मेंटेन रखने की कोशिश करें, अपनी डाइट पर भी अच्छा फोकस करें, क्योंकि आमतौर पर बिल्कुल वो जो खवातीन होती हैं जो प्रेगनेंट होती हैं उनको तो फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, कि हां शुरू के ये जो मंथ्स होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर तो चलें ठीक है, यू शुड टेक अ गुड रेस्ट, बट आफ्टर दैट आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बल्कि वॉक एक बहुत अच्छी चीज है, आप वॉक कर सकते हैं, तो इस चीज को होना थोड़ा सा अच्छा मेरा ये सवाल भी था कि आफ्टर द प्रेगनेंसी आफ्टर द बर्थ
और बहुत सारी खवातीन अपने उस वेट पे नहीं जा पाती, तो वो क्यों नहीं जा पाती और उनको क्या करना चाहिए इसके लिए? अच्छा, एक फैक्ट है कि जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है ना, उनमें वेट लॉस जो है ना वो देखा गया है. जो लैक्टेटिंग मदर्स नहीं होती, जो ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं होती, उनका वेट लॉस में भी जो है ना, मतलब उनके अंदर कम वेट लॉस होता है. उसकी वजह ये होती है कि जो है, जाहिर है अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है, ठीक है, तो उसकी वजह से वेट लॉस में बहुत हेल्प होती है. उसके बच्चे के लिए भी सबसे बेहतरीन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स, मतलब कि नथिंग एल्स बट जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग. उसके अलावा जो है, मैं रुकूंगा आपको, वैसे जो हम ये सुनते हैं कि 2 साल तक मेरे ख्याल है ब्रेस्ट फीड पे होना चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं होता. एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, ये भी हमें क्लेरिफाई करना चाहिए. क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स तो बच्चा फिर हल्की फुल्की गजा लेना शुरू कर देता है ना, हल्की फुल्का गजा के साथ साथ आप जो है ब्रेस्ट फीड पे रखें बच्चे को, बट 6 मंथ्स तक जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए. तो ये एक की पॉइंट है. उसके अलावा जो मदर्स के अंदर देखें, 3 मंथ्स तक तो मैं कहती हूँ यू शुड गिव योर बॉडी अ टाइम टू एडजस्ट के हुआ क्या है उसके साथ, ठीक है, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग. आफ्टर 3 मंथ्स जो है फोकस ऑन योर डाइट, आप जो है फिर आप वेट लॉस की तरफ जाएं, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़रा सा बढ़ाएं, दोबारा वॉक के साथ अपना स्टार्टअप लें. आप हमारे यहाँ जो है ना, अगर आप प्रेगनेंसी को भी ना देखें और एक नॉर्मल आप बात करें ना, तो खाना खाने के बाद हम बैठ जाते हैं या हम बड़े बड़े निवाले ले रहे होते हैं, हम खाने को अच्छे से चबा नहीं रहे होते, हम खाने के बीच में खाने के बाद पानी पी रहे होते हैं. तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि वेट गेन में हेल्प करते हैं. अरे बड़ा अच्छा किया आपने बताया, क्योंकि बात से बात निकल रही है. ये सबसे बुनियादी बात तो ये है कि ये खाने को अच्छी तरह चबाना है, हालांकि बहुत आम सी बात है, बिल्कुल, लेकिन हम इस पे गौर नहीं करते कि अच्छी तरह चबाना, बिल्कुल. और दूसरी बात ये कि पानी का, मुझे बताएं कि आमतौर पे खाने के दरमियान पानी लेना चाहिए, पहले लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए, ये बहुत एक अहम पॉइंट है. ये दिन में भी इस चीज का है कि खाने से पहले पानी सोना है, खाना खाने के बीच में पानी चांदी है, और खाना खाने के बाद पानी कीचड़ है. ओ माय गॉड. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. और ये एक हदीस की जी 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 जी. और उसके अलावा ये कि खाने को अच्छे से इस वजह से चबाना चाहिए क्योंकि हमारी डाइजेशन जो है ना वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है. जब आप अच्छे से चबाएंगे तो आपको फिर आपके स्टमक को उतना वर्क नहीं करना पड़ेगा. उसके पास ऑलरेडी जो है इतना अच्छा डाइजेस्टेड खाना उसको मिल गया है, तो उसको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. जब आपके मैदे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उससे फिर लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेंट्स आती हैं, और जो है ना कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं होता है. या कि कौन सी डाइट ऐसी है जो व्हिच कैन ओवरकम द कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम? गुड फाइबर डाइट. फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए. वेजिटेबल्स में कुछ है? वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है. फ्रूट्स में फ्रूट तमाम वेजिटेबल्स में सिवाय आलू. आलू को भी खाने का तरीका है. गोभी आलू, अगर आप चाह रहे हैं ना कि आपको स्टार्च कम मिले, तो आपका तरीका ये होना चाहिए, आप पहले आलू को काट के पानी के अंदर भिगो के रख दें. आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो है ना व्हाइट व्हाइट जो है ना वो गदला सा पानी एक हो जाता है, दैट इज स्टार्च. आपने उसे स्टार्च को निकाल दिया एंड देन आप आलू बनाए, तो आपको इतने स्टार्च उससे नहीं मिलेगा. तो ये एक तरीका होता है आलू खाने का भी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपके आने का. बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग माइसेल्फ बहुत फायदा हुआ. थैंक यू सो मच. आज के सेशन में बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस थे वो क्लियर हुए. और ये आसिफ भाई, मैंने तो तय किया कि इंशाल्लाह एक हेल्दी जिंदगी गुजारनी है मुझे, और पानी का इस्तेमाल रखना है. कम अज कम जो है वो 10 गिलास पानी पीना है, 2 लीटर पानी कम अज कम पीना है, और खाने से पहले पानी पीना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना, और अपनी एक बैलेंस डाइट रखनी है. और इसको फॉलो नहीं करना कि कीटो के पीछे भाग रहे हैं या एटकिन के पीछे भाग रहे हैं. एक बैलेंस डाइट रखनी है. हमें कार्ब्स भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें फैट भी चाहिए, मगर एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए. भाजी आपका बहुत शुक्रिया एक दफा फिर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी कुछ एपिसोड में अगर आप आएंगी तो मेरी तरह के बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट से लोगों को जो है एक अवेयरनेस मिले और एक अच्छा ही मैसेज जाए. Sure. इंशाल्लाह. तो ये थी सैयदा वजीहा जैदी साहिबा, जो कि क्वालिफाइड डाइटिशियन है, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए. फी अमानिल्लाह.